उत्तर प्रदेश सरकार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशी और राम नवमी पर अखंड रामायण का पाठ करवाने जा रही है। इस दौरान सरकारी तौर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एमकेएन न्यूज से बात करते हुए पर्यटन और संस्कृति प्रमुख सचिव मुकेश ने बताया कि राम नवमी पर अखंड पाठ की तैयारी को लेकर सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को 21 मार्च तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में महिला और बालिकाओं को विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी। आइए सुनवाते हैं पर्यटन व सांस्कृतिक प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम की संवाददाता अविनाश कुमार से खास बातचीत। सरकार इस बार चैत्र माह में नवरात्रि में विशेष करने जा रही है। यूपी के जो सभी जिले हैं धार्मिक स्थानों पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराएगी। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मुकेश मेश्राम जी, जो पर्यटन मंत्री प्रमुख सचिव जी हैं। सर, जिस तरीके से नवरात्रि में विशेष होने जा रहा है, किस तरीके की क्या तैयारियाँ रहेंगी पर्यटन विभाग की? संस्कृति उत्तर प्रदेश जो है धार्मिक और पौराणिक पर्यटन के मामले में अग्रणी प्रदेश है। यहाँ पे प्रत्येक जनपद में बहुत सारे हमारे पौराणिक स्थल हैं जिनको विजिट करने के लिए देश विदेश से अत्यधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, चाहे वह नैमिषारण्य हो, चित्रकूट हो, श्रृंगवेरपुर हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, ब्रज मथुरा वृंदावन हो, गोरखपुर हो, या बौद्ध धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करें तो सारनाथ, कुशीनगर, संकिसा, कौशाम्बी, इधर श्रावस्ती, तमाम जगह सिद्धार्थ नगर। और इसके अलावा जैन पर्यटन की बात करें तो हमारे यहाँ पे 24 में से 18 जैन तीर्थंकर केवल उत्तर प्रदेश से हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सूफी संत हैं हमारे यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, हमारे यहाँ पे देवा शरीफ है, हमारे यहाँ पे बदायूं में सूफी परंपरा के रहे, बरेली में, मुरादाबाद, अमरोहा, बहुत सारी जगह पे ऐसे। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सिखिज्म का भी एक बहुत बड़ा ये गढ़ रहा है। तो और अगर हम देखें जैसे सरधना चर्च, ये पर्यटन का एक केंद्र है हमारा, तो सभी तरीके के पर्यटन स्थल हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। और इसी क्रम में सरकार इन जगहों में पर्यटन सुविधाएं विकसित कर रही है, और साथ ही साथ जो मेले महोत्सव या सांस्कृतिक आयोजन है उनके आयोजन में भी हम लोगों का ये काम है कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसको सुखद अनुभव प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में एक तो अखंड रामायण पाठ का आयोजन जो श्री राम नवमी के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वाल्मीकि जी कृत रामायण है उसमें बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनके माध्यम से जीवन मूल्यों की बहुत बड़े संदेश हम जो है प्रस्तुत करते हैं। युवा पीढ़ी तक उन संदेशों को पहुंचाया जाना बहुत आवश्यक है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। और इसी क्रम में हम लोगों ने श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी और निषादराज गुह की एक बहुत बड़ी 51 फीट की मूर्ति गले मिलते हुए स्थापित की है। वहीं दूसरी तरफ हमने जो नैमिषारण्य है या चित्रकूट है, ऐसे तमाम जगहों पे भी बहुत सारे स्थलों को विकसित करना प्रारंभ किया है। जो अखंड रामायण पाठ है इसके लिए लोक कलाकार जो उस क्षेत्र के हैं उनके डिवोशनल म्यूजिक, उनके सॉन्ग्स, ये सब प्रस्तुत किए जाएंगे, और इसके जरिए उनको रोजी रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो वहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनको एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव भी प्राप्त होगा। क्योंकि म्यूजिक से, हमेशा डिवोशनल म्यूजिक से, आप पूरे विश्व में देख लें, यह एक्सेप्ट किया गया तथ्य है कि डिवोशनल म्यूजिक सुनने से एनर्जी बढ़ती है और पॉजिटिविटी आती है और स्ट्रेस, डिप्रेशन खत्म होता है, कम होता है। सर, जिस तरीके से जिले के जो अधिकारियों को, उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस कार्यक्रम को लेकर? उनको कहा गया है कि जगह चिन्हित करें, हर जगह पे जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन किया गया है, उसमें क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है वो तय करेंगे। उनको कलाकारों के मानदेय के लिए 1-1 लाख रुपए की धनराशि हमने दी है, क्योंकि सूचना विभाग और संस्कृति विभाग से कलाकार चिन्हित हैं और उनके रेट्स भी तय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया जिस तरीके से जो दुर्गा पाठ और अखंड रामायण पाठ का कार्यक्रम होगा उसको लेकर खास तैयारियां की गई है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ अविनाश, एमके न्यूज।